बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत क्रोशिया रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे मैं एंकर थ्रेड के साथ बना रही हूँ। और इसके साथ मैं ये पर्ल यूज़ कर रही हूँ जो मैंने धागे में पहले से डाल रखे हैं। और इसके लिए जो मैं क्रोशिया हुक इस्तेमाल कर रही हूँ, 12.06 mm है। सबसे पहले हम फिंगर पर धागा फोल्ड करेंगे और क्रोशिए पर स्लिप नॉट लगाएंगे इस तरह से। अब हम सिंगल क्रोशिए के साथ इसे फैब्रिक में अटैच करेंगे। अब हम लेंगे 1, 2, 3 चैन लेके हम इसे थोड़े गैप पर अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिए के साथ। अब हम फिर लेंगे 1, 2, 3 चैन। अब फिर हम इसे थोड़े गैप पर अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिए के साथ, 1, 2, 3 चैन। फिर थोड़े गैप पर अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिए के साथ। इसी तरह जहां तक हमने लेस का डिज़ाइन बनाना है, स्लीव पर, कमीज़ के दामन पर, दुपट्टे पर, पहले हम इसी तरह 3 चैन सिंगल क्रोशिए के साथ अटैच करते हुए बेस लाइन तैयार करेंगे। इसके बाद हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। आप थोड़ी लेंथ बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने कपड़े के रोंग सेट पर बना रही थी। अब हम फ्रंट में आ जाएंगे। फ्रंट में आने के बाद ये जो हमारे पास फर्स्ट 3 चैन का गैप है, यहाँ पर हम लेंगे सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया लेने के बाद हम लेंगे 1, 2, 3 3 चैन लेके हम नेक्स्ट गैप में लेंगे डबल क्रोशिया। 3 चैन के नेक्स्ट गैप में हम लेंगे डबल क्रोशिया इस तरह से। अब हम लेंगे 1, 2, 3 चैन, 3, 4 चैन लेके हमारे पास जो ये गैप है, यहाँ पर हम लेंगे सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, हमारे पास बन गई पिकॉट। अब यहीं से हम फिर लेंगे नेक्स्ट गैप में डबल क्रोशिया। पहले हम दो धागों से बाहर आएंगे, फिर हम दो धागों से बाहर आएंगे। अब हम फिर लेंगे 1, 2, 3, 4 चैन। 4 चैन लेके हम ये जो गैप है, यहाँ पर हम लेंगे सिंगल क्रोशिया और ये हमारे पास बन जाएगी पिकॉट। अब हम फिर यहीं से लेंगे नेक्स्ट गैप में डबल क्रोशिया, फिर हम दो धागों से बाहर आएंगे, दो धागों से बाहर आएंगे। अब हम लेंगे 1, 2, 3, 4 चैन। 4 चैन लेके ये जो गैप है, यहाँ पर हम लेंगे सिंगल क्रोशिया। देखिए, इस तरह से हमारे पास बन जाएगी पिकॉट। अब हम फिर लेंगे नेक्स्ट गैप में डबल क्रोशिया। पहले हम दो धागों से बाहर आएंगे, फिर हम दो धागों से बाहर आएंगे, फिर हम लेंगे 1, 2, 3, 4 चैन। 4 चैन लेके ये जो हमारे पास गैप है, यहाँ पर हम लेंगे सिंगल क्रोशिया। ये हमारे पास बन जाएगी पिकॉट। 4 पिकॉट बनाने के बाद हम नेक्स्ट गैप में फिर लेंगे डबल क्रोशिया। वाह, अब हम लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 मरतबा लेने के बाद हम एक मोती नीडल को मोती के अंदर डालेंगे और ये जो धागा है, यहाँ से हम इसको इस तरह से नीडल को मोती के अंदर डालेंगे और ये वाला धागा जो है, इसे मोती के अंदर लेके आएंगे।
अब यहाँ पर ला के हमें इस गैप में इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशिया के साथ इस तरह से। अब अटैच करने के बाद यहीं से हम फिर नेक्स्ट गैप में लेंगे डबल क्रोशिया, पहले दो धागों से बाहर आएंगे फिर हम दो धागों से बाहर आएंगे। अब हम लेंगे 1, 2, 3, 4 चैन और इस गैप में हम लेंगे पिकॉट। अब हम फिर लेंगे अब यहीं से हम फिर लेंगे डबल क्रोशिया नेक्स्ट गैप में, पहले दो धागों से बाहर आएंगे फिर दो धागों से बाहर आएंगे, फिर हम लेंगे 1, 2, 3, 4 चैन, 4 चैन लेके इस गैप में हम इसको अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ और बन जाएगी पिकॉट। ये दो बार हो गई। अब हम फिर नेक्स्ट गैप में लेंगे डबल क्रोशिया, दो दो धागों से बाहर आएंगे। अब हम फिर लेंगे 1, 2, 3, 4, 4 चैन लेके इस गैप में हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे, 4 मरतबा हमने पिकॉट बनानी है। फिर हम नेक्स्ट गैप में लेंगे डबल क्रोशिया, अब हम फिर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 मरतबा चैन लेने के बाद हम धागे को थोड़ा पुल करेंगे और एक मोती पास करेंगे। मोती को पास करने के बाद हम धागे को इधर से पकड़ के रखेंगे और नीडल को मोती के अंदर डालेंगे और ये जो धागा हमने पुल किया हुआ है इसको भी हम नीडल के अंदर डालेंगे और मोती के अंदर लेके आएंगे धागे को इस तरह से। अब हम यहां पर इसे इस गैप में हम इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशिया के साथ इस तरह से। अब यहीं से हम फिर लेंगे नेक्स्ट गैप में डबल क्रोशिया, दो दो धागों से बाहर आएंगे। अब हम लेंगे 1, 2, 3, 4, 4 चैन लेके गैप में हम अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ और पिकॉट बन जाएगी। अब हम फिर लेंगे 4 मरतबा पिकॉट। अब फिर हम नेक्स्ट गैप में लेंगे डबल क्रोशिया, अब हम फिर लेंगे 1, 2, 3, 4 चैन और इस डबल क्रोशिया के गैप में हम इसको अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ और बन जाएगी हमारे पास पिकॉट। 4 मरतबा हमने पिकॉट बनानी है, 1, 2, दो दो धागों में बाहर आने के बाद 1, 2, 3, 4 आप सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। ये थर्ड मरतबा होगी, ये फोर्थ मरतबा हो जाएगी, दो धागों से बाहर फिर दो धागों से बाहर। अब हम लेंगे 1, 2, 3, 4 चैन, 4 चैन लेके अब ये जो गैप है यहाँ हम इसको अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ, ये हमारे पास बन गई 4 पिकॉट। अब हम फिर नेक्स्ट गैप में लेंगे डबल क्रोशिया, अब हम फिर 20 मरतबा चैन लेंगे, एक मोती पास करेंगे और इसे इसी गैप में डबल क्रोशिया के गैप में अटैच करेंगे, फिर हम 4 पिकॉट बनाएंगे। इसी तरह हम अपनी लेस डिजाइन रिपीट करते जाएंगे। अब मैं आपको थोड़ी लेंथ बना के दिखाती हूँ। इतनी लेस डिजाइन बनाने के बाद यहाँ पर आकर मैंने धागा कट कर दिया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती है किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।